नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एक व्यक्ति ऑफर देता है, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है, तो ये एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट अगर लीगल इंटेंशन से किया गया था तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सिएबल होता है। ठीक है जी, आज हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 2A के अंदर ऑफर की डेफिनेशन दी गई है, एक बार देख लेते हैं उसको। When one person signifies his willingness to another to do something or to abstain from doing something so as to obtain his assent to such act or abstinence, such person is making an offer. कहने का मतलब ये है साहब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या तो पॉजिटिव ऑफर देता है या तो नेगेटिव ऑफर देता है। पॉजिटिव मतलब कुछ करने के लिए, नेगेटिव मतलब कुछ ना करने के लिए। मान लीजिए ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, तो ए कहता है बी से कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपए में? बी कहता है हाँ मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव ऑफर है क्योंकि बी से कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ए ने 10 लाख का लोन लिया था बी से और 6 महीने बीत चुके हैं, उसको वो जो लोन है उसको चुकाना था 6 महीने के अंदर, 6 महीने खत्म हो गए हैं। अब बी जो है वो उसके खिलाफ केस करने जा रहा है। ए जाता है भागा भागा बी के पास कि अगर तुम केस नहीं करते हो, उसको ये ऑफर देता है कि अगर तुम केस नहीं करते हो तो मैं आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये क्या है, ये कुछ ना करने का ऑफर है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफर। ठीक है जी, अब टाइप्स ऑफ ऑफर की बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ऑफर। तो ऑफर अगर ए ने बी को दिया है तो बी ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बी को उसने कहा कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे तो सी एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ जी मैं खरीद लूंगा, ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक ऑफर में एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है और जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है। मान लीजिए आपका डॉगी खो गया, तो आपने एक ऐड दे दिया न्यूज़पेपर के अंदर कि जो भी मेरे डॉगी को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 50,000 रुपये का इनाम दूंगा। तो जिसने भी उस ऐड को पढ़ा, आपके डॉगी को ढूंढा और आप तक लेके आया, यानी कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया, उसको वो इनाम दिया जाएगा। तो जनरल ऑफर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता, पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। तीसरा होता है काउंटर ऑफर। मान लो मैंने आपसे कहा क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख रुपये में खरीदोगे, आप आए, आपने गाड़ी को देखा, आपने मुझे काउंटर ऑफर दिया कि नहीं मैं खरीदना तो चाहता हूँ लेकिन 4 लाख रुपए है मेरे पास, अब आप बताओ देनी है तो नहीं। तो यहाँ पर आपने मेरा जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा मुझे ही एक काउंटर ऑफर दे दिया। तो जब आप काउंटर ऑफर देते हो तो मेरा ऑफर लैप्स हो जाएगा और अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके ऑफर को वैलिड माना जाएगा। ठीक है जी, ये होता है काउंटर ऑफर, ऑफर के बदले में एक दूसरा ऑफर। चौथा होता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर मतलब कोई भी ऐसा ऑफर जो कि आपने बोल के या लिख के दिया है, एक्सप्रेसली मतलब कहा है, जैसे गाड़ी की ही बात है तो आपने बोल के कही है कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, तो ये एक एक्सप्रेस ऑफर है। इम्प्लाइड ऑफर होता है, मान लो आप बस स्टैंड पे खड़े हो, बस आकर वहाँ पर रुकी, तो क्या ये इम्प्लाइड ऑफर नहीं है? बस कह रही है ना आपसे कि आप आ सकते हो उसके अंदर, अगर आपको उस डेस्टिनेशन पर जाना है जहाँ बस जा रही है तो आप उसमें चढ़ सकते हो, तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। बस आपसे कह नहीं रही है लेकिन इसका मतलब यही है, अगर बस वहाँ पर रुकी है कि आप उसमें चढ़ सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम इम्प्लाइड ऑफर। छठा होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है, मान लो मुझे एक गाड़ी बेचनी है, मैंने एक लेटर लिखा अपने दोस्त के नाम कि क्या तुम मेरी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदोगे, अब वो लेटर जो है अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है और उसी समय मेरे दोस्त ने मुझे लेटर लिखा कि क्या तुम अपनी गाड़ी मुझे 5 लाख रुपए में दे सकते हो, तो यानी कि दोनों सेम ही ऑफर दे रहे हैं एक दूसरे को, दोनों को नहीं पता कि दूसरी साइड से भी वही सेम ऑफर आ रहा है, तो ये क्या है, ये क्रॉस ऑफर है। इसमें क्या होता है, जिसका ऑफर पहले पहुंचा या पहले देखा गया, पहले जिस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगी उसको वैलिड ऑफर मानेंगे और दूसरा जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है जी, सातवां होता है स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर। कई बार आपने दुकानों पर लिखा हुआ देखा होगा ना कि 1 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में, यानी कि इस महीने में अगर आप हमसे कोई भी सामान खरीदोगे तो आपको निश्चित उपहार मिलेगा, तो ये क्या है, ये एक स्टैंडिंग ऑफर है। आपने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक ऑफर बना दिया है, जो भी उस ऑफर में लोग आते हैं वो उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ वैलिड ऑफर के बारे में। तो ऑफर कैसा होना चाहिए, जब वैलिड ऑफर हम किसको कहेंगे, सबसे पहले देखो ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। मान लो मैं आपसे कहूँ क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, अगर खरीदना चाहते हो तो मुझे कुछ पैसे कुछ दिन बाद दे देना, है ना, या तो कैश में दे देना या चेक में दे देना, क्या ये कोई ऑफर हुआ? इसमें कुछ स्पेसिफिक ही नहीं है, गाड़ी कितने में दे रहे हो, कैसे आपको मोड ऑफ पेमेंट चाहिए, कैश में चाहिए चेक में चाहिए, कितने दिन बाद चाहिए, हर जगह आपने कुछ पैसे कुछ दिन कैश या चेक, इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप उसमें लगा रहे हो, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। ठीक है जी,
दूसरा है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपने मन मन में सोच लिया कि जी हाँ ठीक है मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, लेकिन बताया नहीं किसी को, तो ऑफर बनेगा कहाँ से? या फिर आपने बता तो दिया लेकिन जो जिस व्यक्ति ने आपके ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया है उसको वो उस ऑफर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मान लीजिए आपका नेकलेस खो गया, तो आपने घोषित कर दिया कि जो भी आदमी मेरे नेकलेस को ढूंढ कर लाएगा मेरे पास उसको मैं 50,000 रुपये दूंगा। अब जो व्यक्ति आपके पास वो नेकलेस ढूंढ के लाया है उसे उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो क्या वो व्यक्ति आपसे 50,000 रुपये लेने के लिए एलिजिबल है? वो नहीं है, वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसको ऑफर की कंडीशंस पता ही नहीं थी। वो तो बस ऐसे ही ढूंढ के लाया, उसको पता था कि वो नेकलेस आपका है, उसको मिल गया, वो लेके आ गया। तो क्योंकि उसको ऑफर की जानकारी नहीं थी तो वो ऑफर को क्लेम भी नहीं कर सकता है, बेशक उसने सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो फॉलो करी हैं। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तीसरा है लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, तभी तो लीगली इन्फोर्सिबल होगा। चौथा कि उसके अंदर कितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं और वो सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी अगर एक्सेप्ट कर रहा है कोई इंसान उस ऑफर को, ठीक है जी। और पांचवा है मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच लीड्स टू एक्सेप्टेंस। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप कोई ऑफर दे रहे हो किसी व्यक्ति को और उसमें साथ में एक कंडीशन आपने जोड़ दी कि अगर 2 दिन के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब होगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। तो ऐसा कुछ आप कंडीशन नहीं डाल सकते हो कि ज़बरदस्ती किसी को ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ जाए, ठीक है जी। ऐसी कोई भी टर्म आप नहीं डाल सकते हो। मान लो आपने किसी से कहा कि जी कि आप मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपए में, 2 दिन के अंदर जवाब दे दो वरना मैं समझ लूंगा कि हाँ जी आप खरीद रहे हो 5 लाख में, तो ये तो ज़बरदस्ती हो गई ना। नहीं, उसकी मर्ज़ी, वो खरीदना चाहता है तो वो खुद बताएगा आपको, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हाउ ऑफर कम्स टू एन एंड। लेकिन इससे पहले आपको एक और मैं कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ, इनविटेशन टू ऑफर। जब आप ऑफर देना नहीं चाहते हो, आप सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट की कीमत क्या है। हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट को कम कीमत में बेच रहे हो, है ना, आपको लग रहा है कि ज़्यादा में भी बिक सकता है, तो आपने इन्वाइट कर दिया दूसरे लोगों को कि आप खुद आओ और बताओ कि आप कितने में खरीदना चाहते हो। इसको कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। यहाँ पर इनिशियल इन्विटेशन आप दे रहे हो ना कि फाइनल विलिंगनेस बेचने की, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर नेगोशिएशन हो सकता है, जैसे आप कपड़े की दुकान में घुसे, वहाँ पर हर कपड़े के ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो कपड़े की दुकानें होती हैं वहाँ पर नेगोशिएशन होता है। यानी कि आपने कपड़ा पसंद करा, आप बिलिंग काउंटर पर गए और जो भी प्राइस टैग लगा है उसके ऊपर आप उससे कहते हो कि इस पर मुझे डिस्काउंट चाहिए, आप बताओ कि कितना दोगे। और अगर वो नहीं बता रहा है तो आप खुद कहते हो, मान लो उस पर लिखे हुए हैं 1,000 रुपये, आप कहते हो मैं तो 800 दूंगा, देना है तो दो। तो ये क्या हुआ, ये उसने आपको इन्विटेशन टू ऑफर दिया और आपने उसको अपनी तरफ से एक ऑफर दे दिया। उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा तो वैलिड ऑफर हो जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा, नहीं करेगा तो लैप्स हो जाएगा ऑफर, ठीक है जी। तो इनविटेशन टू ऑफर होता है जब आप शोरूम में कोई सामान खरीद रहे हो या कोई पोस्टर आपने देखा जहां पर कोई सेल परचेज का पोस्टर है। मान लो आपने गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी कर दी, उस पर एक फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया, अपना नंबर लिख दिया, तो लोग आपके पास आएंगे या कॉल करेंगे और बताएंगे कि जी गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ, इतने लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि ऑफर ख़त्म कैसे होता है। सबसे पहला तो अगर आपकी जो ऑफर है, आपका जो ऑफर है उसको अगर एक्सेप्ट ही ना करे दूसरा बंदा, रिजेक्ट कर दे, तो वो ऑफर ख़त्म हो जाएगा। या फिर डेथ हो जाए उस इंसान की जिसको आपने ऑफर दिया है, तो भी ऑफर ख़त्म हो जाएगा। या फिर जो आपने कंडीशंस ऑफर में रखी हैं उस कंडीशन को अगर दूसरा व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो भी वो ऑफर जो है ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए आपने, आपकी कपड़े की दुकान है, आपने लिखा 4 कपड़े खरीदोगे तो 1 कपड़ा फ्री, दूसरे व्यक्ति ने 3 कपड़े खरीदे, कह रहा है फ्री वाला भी दे दो इसके साथ, तो ये जो है ऑफर वैलिड नहीं होगा उस कंडीशन में, क्योंकि उसने पूरी की पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफर की वो फॉलो नहीं करी है। इसके बाद होता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मान लो कि जब आपने ऑफर किया था, दिया था दूसरे व्यक्ति को, तब वो ऑफर हो वैलिड ऑफर था, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि अब वो ऑफर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो गया उसको पूरा करना। जैसे कि मान लो आपने किसी घर को बेचने का ऑफर दिया था, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ही घर जल गया, या फिर गाड़ी का ऑफर दिया था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एक्सेप्टेंस से पहले, या शिप का ऑफर दिया था और शिप डूब गया, है ना, या फिर कोई कानून उस समय ऐसा था जिसकी वजह से वो ऑफर तब तो वैलिड था लेकिन बीच एक्सेप्टेंस से पहले कोई नया कानून आ गया जिसकी वजह से वो ऑफर ही इलीगल हो गया, तो वो ऑफर खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने प्लास्टिक बैग का ऑफर दिया किसी को कि आप मेरे से 50,000 प्लास्टिक बैग अगर खरीदोगे तो ये ऑफर आपको
मैं आपको इतने दाम में दे दूंगा और उसके साथ ये चीज़ फ्री दे दूंगा, इस तरीके का कुछ ऑफर आपने दिया, लेकिन बीच में कानून बन गया एक्सेप्टेंस से पहले ही कि प्लास्टिक बैग अपने आप में एक इलीगल आइटम है, उसको आप ना तो बेच सकते हो ना खरीद सकते हो, तो वो ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है जी, इसे कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जब आपके हाथ में नहीं है कोई चीज़ और जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया है ऑफर को परफॉर्म करना, तो वो होता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसके बाद आता है लैप्स ऑफ टाइम। मान लीजिए आपने ऑफर में कहा कि मुझे आप 2 दिन के अंदर जवाब दीजिए, अदरवाइज ये ऑफर लैप्स हो जाएगा, तो 2 दिन के अंदर जवाब आया तो ठीक, नहीं तो लैप्स। या फिर अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया है तो रीजनेबल टाइम के अंदर वो ऑफर लैप्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने आज ऑफर दिया है और उसमें टाइम मेंशन नहीं किया है तो 2 साल बाद आपको कोई आदमी कह रहा है कि एक्सेप्ट करता हूं मैं ऑफर को, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसको एक्सेप्ट करना होगा और ये कोर्ट डिसाइड करता है, अगर केस किया जाता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि रीजनेबल टाइम क्या है। गाड़ी खरीदने में वो अलग होगा, कपड़े खरीदने में अलग होगा, घर खरीदने में अलग होगा। ठीक है जी, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। उसके बाद है रिवोकेशन बाय ऑफरर। मान लो आपने कोई ऑफर दिया, उसमें टाइम दिया कि 5 दिन के अंदर आप अपना जवाब दीजिए ऑफरी को, लेकिन 5 दिन से पहले ही आपने खुद ही उस ऑफर को रिवोक कर दिया तो भी ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा। उसके बाद होता है काउंटर ऑफर। अगर काउंटर ऑफर कोई भी व्यक्ति आपको देता है तो आपने जो इनिशियल ऑफर दिया था वो लैप्स हो जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। तो जब भी कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सिबल है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है जी, फीचर्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं साहब। वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होगी, जब आप एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हो साथ में। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि क्या आप मेरा घर 1 करोड़ में खरीदोगे, आप कह रहे हो कि जी मैं 80 लाख में खरीदूंगा, तो ये क्या है, ये कंडीशन आपने लगा दी। अपनी क्वालिफिकेशन, अपना जो है जो एक्सेप्टेंस आपने दिया है वो एब्सोल्यूट नहीं दिया है, तो इसलिए ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। दूसरा, एक्सप्रेस भी हो सकता है आपका एक्सेप्टेंस जो है वो, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब आपने बोल के कह दिया कि हाँ जी मैं आपका ऑफर स्वीकार करता हूँ। इम्प्लाइड ये हो सकता है जैसे बस आपके सामने आके रुकी और आप उसमें चढ़ गए, तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। बस आपको इनवाइट कर रही थी कहीं जाने के लिए और आप उसमें चढ़ गए, मतलब आपने एक्सेप्ट किया उस इम्प्लाइड इन्विटेशन को। तो जब आप चढ़ गए तो अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। मान लो आपको टिकट खरीदना है और जब सीट खाली होगी तभी आप उस पर बैठ सकते हो, तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी क्योंकि आपने अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दी है बस के ऑफर को। फिर मे बी गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टी और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जिस जहाँ से आपको ऑफर मिला है या तो उस पार्टी को या फिर उनके जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप ये एक्सेप्टेंस दे सकते हो। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, आपने अपने मन में सोच लिया कि जी हाँ मैं इस ऑफर को स्वीकार करता हूँ लेकिन बताया नहीं किसी को, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं। आपको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा जहाँ से ऑफर आया है उस पार्टी को बताना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर एक्सेप्टेंस जो है मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर कम्स टू एन एंड, जब ऑफर ही खत्म हो गया तो फिर काहे की एक्सेप्टेंस, तो ऑफर खत्म होने से पहले आपको एक्सेप्टेंस जो है अपनी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कब ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि वही आपको आसानी से समझने में मदद करेगा इस कंसेप्ट को। एक ऑफरर है, ऑफरर मतलब ऑफर देने वाला, दूसरा है ऑफरी मतलब ऑफर को स्वीकार करने वाला, लेने वाला जिसके पास ऑफर दिया जा रहा है। 1 जनवरी को ऑफरर जो है वो अपने घर को बेचने के लिए एक लेटर भेजता है ऑफरी को, जो कि 10 जनवरी को ऑफरी के पास पहुंचता है। मान लीजिए इनके नाम रख देते हैं ए और बी, तो ए ने लेटर में लिखा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं और बी तक वो लेटर पहुंचा 10 जनवरी को, 1 जनवरी से 10 जनवरी का समय हो गया। उसने बी ने उसको एक्सेप्ट करते हुए 20 जनवरी को एक लेटर लिखा और वो लेटर पहुंचा ए के पास 30 जनवरी को। ठीक है जी, 1 जनवरी से 10 जनवरी को पहुंचा बी के पास, 20 जनवरी से 30 जनवरी को पहुंचा वापस ए के पास एक्सेप्टेंस जो है। तो ऑफर कंप्लीट किस दिन हुआ, क्या कब माना जाएगा कि ऑफर कंप्लीट हो गया, जिस दिन उसको एक्सेप्टेंस, जिस दिन वो बी के पास पहुंचा। ठीक है जी, ऑफर तो उसी दिन कंप्लीट हो गया ना जब आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया ऑफरी के पास, तो 10 जनवरी को वो ऑफर जो है कंप्लीट हो गया। ऑफर को रिवोक कब किया जा सकता है, 20 तारीख से पहले, क्योंकि 20 तारीख को ऑफरी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है लेटर के थ्रू, तो 20 तारीख से पहले ऑफरर चाहे तो उसको रिवोक कर सकता है। अब एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को ही बी ने लेटर लिखा ए को कि मैं आपका जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट करता हूं। अब एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट माना जाएगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑफरी, 30 जनवरी को कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है जी,
कि क्योंकि उसने 20 को लिखा था और 30 को वो पहुंच गया ए के पास एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है, 30 तारीख से पहले किसी भी दिन उसको रिवोक किया जा सकता है। कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि बी तो दे रहा था एक्सेप्टेंस। अच्छा, अगर दोनों लेटर जो है वो सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं तो पहले जो खुलेगा उसको ही माना जाएगा। मान लो रिवोकेशन का भी लेटर पहुंच जाता है और एक्सेप्टेंस का भी लेटर पहुंच जाता है, तो एक्सेप्ट माना जाएगा ऑफर को या रिवोक माना जाएगा, जो चिट्ठी पहले खुलेगी वो माना जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ आपका जो ऑफर का कंसेप्ट है और एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट है दोनों ही हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं और ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।